हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस का इलस्ट्रेशन नंबर 1। इस इलस्ट्रेशन को आपको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है, बिकॉज स्टडी मटेरियल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1 को भी आसान बनाते हैं। नंबर 1 पहले से अच्छे से रीड करते हैं। ये इलस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? एमएम अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक। ए बी इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। कैपिटलाइजेशन रेट ये और कुछ नहीं बल्कि के ही है, तो के ही हमें कितना गिवन है? 10%। इट करेंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स सेलिंग एट ₹100 ईच। तो अभी कितना शेयर्स है? 10,000, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स एन हमें कितना गिवन है? 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो कितना है? 100, यानी कि ये हमको क्या गिवन है? P0, ठीक। तो हमें तीन चीज़ें पता चल गई, के ही हमें गिवन है 10%, एन यानी नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और P0 यानी कि अभी क्या प्राइस चल रहा है वो है 100। आगे पढ़ते हैं। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म जो है वो क्या सोच रही है? डिविडेंड बांटने का। कितना डिविडेंड बांटने का? ₹5 पर शेयर, लेकिन अभी ये सोच रही है, ठीक है। और कब देगी ये? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर इसका मतलब ये क्या है? D0 या फिर D1? मुझे बताओ फटाफट। ये है D1, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर का डिविडेंड है, ठीक है। और अभी फर्म सिर्फ इस बारे में सोच रही है, अभी वो देगी या नहीं देगी इसका कुछ पता नहीं है। आगे देखते हैं। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1,00,000 एंड हैज़ अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,00,000। तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हमारी एट द एंड जो इनकम होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 1,00,000। तो ये हमारी हो गई अर्निंग, ई फॉर अर्निंग। हमारी अर्निंग कितना होने वाला है? 1,00,000 रुपीज। और हम इन्वेस्टमेंट कितना करने वाले हैं? ये हमें गिवन है आय फॉर इन्वेस्टमेंट कितना? 2,00,000। तो हमारी अर्निंग होने वाली है 1,00,000 और हम इन्वेस्टमेंट कितना करने वाले हैं? 2,00,000 रुपीस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड आर पेड। यानी कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है कि डिविडेंड, एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर डिविडेंड नहीं पे किए जाए तब फर्म की वैल्यू क्या होगी, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी। यानी कि दोनों क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म, लेकिन अलग अलग केस बना दिए है। केस 1 है जब डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा और केस 2 है जब डिविडेंड पे किया जाएगा। डिविडेंड यहाँ पर आपको पता है ₹5 पर शेयर। अब यहाँ पर एक बार हम डिविडेंड में लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डिविडेंड में क्या लिखेंगे? ₹5, क्योंकि यहाँ पर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया हो, बहुत है, क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये लाइन जो थी पहले, जो इतने भी स्टडी मटेरियल थे उसमें इंस्टीट्यूट ने बताया ही नहीं था कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, बट लेटेस्ट मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने ये चेंजेस कर दिए और ये वाली लाइन ऐड कर दी, क्योंकि एट द एंड हमें पता तो चले कि वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है और किस किस केस में करनी है, ठीक है। तो ये जिसकी बुक में जो पुराना मटेरियल फॉलो कर रहे हैं वो ये लाइन ऐड कर लेना, और जो न्यू मटेरियल है उनके में ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो अब तक हमने क्वेश्चन की कोई बात नहीं करी है, फटाफट पहले कॉपी पर आते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहले फटाफट चैप्टर का नाम डाल दो, डिविडेंड डिसीजन, और क्या कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन दो केस में होगा। पहला केस होगा जिसमें हम वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे,
वेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड, यानी कि यहाँ पर जब भी डिविडेंड आएगा वहाँ पर उसका वैल्यू होगा ज़ीरो, ठीक। और दूसरा हम करेंगे केस नंबर टू, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म वेन डिविडेंड्स आर पेड। यहाँ पर भी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ फर्म, लेकिन यहाँ पर जो डिविडेंड है वो पे किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम डिविडेंड में क्या लिखेंगे, 5 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम दो केस में करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम केस वन करते हैं, एक केस हो जाएगा तो दूसरा केस आपको बहुत आसानी से हो ही जाएगा। तो इस केस को हम, केस वन को चार स्टेप में करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड दैट इज पी वन। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है। अब ये हम क्यों कैलकुलेट कर ले, तो पहले मैं वो आपको बता दूं कि हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता था, अभी हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2 लाख रुपीज़, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2 लाख रुपीज़, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए 2 लाख रुपये। तो वो पैसा कैसे आएगा, तो वो पैसा आएगा शेयर्स इशू करके, वो पैसा कैसे आएगा, शेयर्स इशू करके। लेकिन हमें अभी प्राइस तो पता ही नहीं है कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख रुपये हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख रुपये हमें कैसे चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, और वो पैसा कैसे आएगा, शेयर्स इशू करने के लिए, शेयर्स इशू करके। और शेयर्स इशू करने के लिए प्राइस कौन सी होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये तो हमें पता ही नहीं है। आपको अगर शेयर्स इशू करने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर की प्राइस भी तो चाहिए ना। इसी वजह से स्टेप वन में ही हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड की प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पी वन। इससे क्या फ़ायदा रहेगा, इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेज करेंगे इक्विटी शेयर्स इशू करके, तो इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे वो किस प्राइस पर करेंगे, वो हम यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा एमएम अप्रोच का, क्या फॉर्मूला बोलता है फटाफट इसे समझते हैं। पी ज़ीरो इक्वल्स टू पी वन प्लस डी वन, और नीचे क्या है इसका, 1 प्लस के। इसका मतलब समझते हैं पहले। पी ज़ीरो का मतलब होता है अभी प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या चल रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम एट द एंड ऑफ द प्राइस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड, यही तो हमें मिलता है जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या इशू करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जो हम प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर होगी, यानी कि प्राइस जैसे 100 का शेयर है और वो 110 की हो गई, ठीक है, तो हमें 110 रुपये मिलेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है, जो भी साल के एंड में हमें डिविडेंड मिलता है वो चीज़ मिलती है। तो एक हमें मिलता है प्राइस, अगर हम उसको शेयर को बेचेंगे तो हमें मिलेगी प्राइस, और दूसरी चीज़ मिलती है वो एक साल जो हम रखते हैं उसका डिविडेंड, एक साल तक हमने शेयर्स अपने पास रखा तो उसके लिए हमें मिलता है डिविडेंड। तो एट द एंड ऑफ द प्राइस, और अगर हम डिविडेंड को क्या कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो आज की प्राइस आ जाएगी, आज हमने जो इसमें इन्वेस्ट किया है वही आ जाएगी, है ना। तो अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, जब हम इसका कंप्लीट रिवीजन में हम क्या करते हैं, इसके कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, तब हम इसको और डिटेल में करेंगे। तो उसके लिए अभी लोड मत लेना, अभी हम फटाफट इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो P0 हमें गिवन है, कितना दे रखा था, 100। P1 तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो P1 को एज इट इज़ लिख देते हैं। D1 का मतलब होता है डिविडेंड। अब आप सोचोगे, अरे डिविडेंड हमें 5 गिवन तो है, लेकिन हम ये केस कौन सा कर रहे हैं, ये हम केस वो कर रहे हैं जिसमें हम डिविडेंड को पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या आ जाएगा, 0। नीचे आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस KE। KE कितना था, 10%, ठीक। तो हमें 100 को इससे इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर हमारा P1 आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा P1, 100 को हम इंटू कर देंगे 1.1 से, ये आ गया 110।
यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड शेयर की प्राइस क्या रहेगी, 110। यानी कि जो भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेज करना है तो वो शेयर इशू करेंगे, और वो किस प्राइस पर इशू करेंगे, 110। समझ गया? वेरी गुड। तो अब हमें ये पता चल गया प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए। स्टेप नंबर टू में हम क्या देखने जा रहे हैं, जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए एक्चुअल में हमें कितना पैसा चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि ये तो हमें गिवन है ना मैडम, 200,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पर, 200,000 रुपये हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं, लेकिन हम पहले ये तो देख लें कि हमारे पास पहले से पैसा है कि नहीं है। अगर पहले से पैसा है तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, और बाकी का जो बैलेंस रिक्वायर्ड है उसके लिए हम शेयर्स इशू कर देंगे। समझी गया? एक बार करते हैं इसे। देखो, स्टेप नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, अर्निंग्स, हमारी अर्निंग्स हुई थी कितनी हुई थी बताओ, 1,00,000 रुपीज गिवन था ये तो क्वेश्चन में, ये रख, अर्निंग्स हुई थी हमारी 1,00,000 रुपीज। क्या हमने कुछ डिविडेंड बांटा था? नहीं बांटा था, क्योंकि ये केस नंबर वन है व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड, तो हमने कोई भी डिविडेंड नहीं बांटा। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है पहले से, तो हमारे पास कितने अवेलेबल है, 1,00,000 रुपीज। अब मुझे ये बताओ कि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें इन्वेस्टमेंट करना है 2,00,000 रुपीज का, और हमारे पास ऑलरेडी पैसा कितना अवेलेबल है, हमारे पास ऑलरेडी पैसा अवेलेबल है 1,00,000 रुपीज जो कि हमने कमाई करी थी उससे। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है 2,00,000 का, 1,00,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा चाहिए, 1,00,000 रुपीज। हमें कितना पैसा चाहिए, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि हमें पैसा कितना चाहिए, 1,00,000 रुपये, और वो पैसा हम इशू किस प्राइस पर करेंगे वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए स्टेप नंबर वन में, दैट इज 110। उम्मीद है आपको स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर थ्री, जो कि बहुत बहुत इजी है। स्टेप नंबर थ्री में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड। यानी कि जो हमें बैलेंस फंड चाहिए, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है 2,00,000, 1,00,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें कितना चाहिए, सिर्फ 1,00,000 रुपये। अब जो हमें 1,00,000 रुपये चाहिए उसके लिए हम शेयर्स कितने इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे, तो हमें पैसा चाहिए कितना, हमें पैसा चाहिए 1,00,000 रुपीज, और उसको हम उसकी प्राइस से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 110। तो यानी कि इतने 1,00,000 डिवाइडेड बाय 110, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मुझे लगता है, उम्मीद है आपको आता होगा, बहुत इजी है। जो भी हमें पैसा चाहिए होता है उसकी हम उसकी प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, जिस प्राइस पर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो स्टेप नंबर थ्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर फोर पर। स्टेप नंबर फोर, जो क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी कि वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म VF से भी डिनोट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, या फिर उसको हम बोल सकते हैं NP0। अब ये क्या बोला है NP0, तो ये बहुत सिंपल है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, और P0 का मतलब होता है प्राइस। तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस से इंटू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्म की वैल्यू क्या है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है N, यानी कि पहले से एग्जिस्टिंग हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, चेंज इन N। चेंज इन N का मतलब होता है अब हमारे पास और एक्स्ट्रा कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। देखो, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए कि नहीं किए, और यहाँ पर 10,000 शेयर्स पहले से हैं, तो ये हमारे 10,000 शेयर्स एग्जिस्टिंग थे, ये यहाँ पर आएगा। चेंज इन N मतलब एक्स्ट्रा हमने शेयर्स कितने इशू कर दिए, तो वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000, और इसकी जो वैल्यू आएगी इनटू कर देंगे P1 से। P1 क्या चल रही है, अभी की प्राइस,
ये हम ऑलरेडी स्टेप नंबर वन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एन का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 10,000। चेंज इन एन का मतलब होता है कितने एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं। तो एक्स्ट्रा शेयर्स जहाँ पर आए थे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 110। इसको मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रही बिकॉज यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन जब एट द एंड आप देखोगे तो वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, अपने आप राउंड अप हो जाएगा, इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रही, ठीक है। एन लिख लिया मैंने और चेंज इन एन लिख लिया, इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स ही आ जाएंगे। इंटू करना है P1, इंटू करना है P1, P1 का मतलब अभी क्या प्राइस चल रहा है, तो अभी प्राइस चल रहा है 110, ठीक। तो एक तरीके से क्या हो गया, शेयर्स कितने हैं और अभी प्राइस क्या चल रहा है, टोटल हमारे पास शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जो प्राइस चल रहा है। अब इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें हम इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि इतना पैसा हमारे यहाँ से चला गया, तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 2,00,000, तो इतना पैसा हमारे पास से चला जाएगा और हमने एट द एंड ऑफ द ईयर जो अर्निंग करी है वो प्लस हो जाएगी, यानी कि 1,00,000 रुपये हमने कमाई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, इसमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसको माइनस कर देंगे, पैसा चला गया, और जो भी हमने अर्निंग करी है उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। इन सब को अगर मैं डिस्काउंट कर दूं तो आज का पता चल जाएगा, तभी तो इसको बोला है NP0, आज की वैल्यू, ठीक है। तो सबको हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे, यानी कि 1+KE, अच्छा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 1+0.10, ठीक है। तो 1.1 से हम इसे डिस्काउंट कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, बट इसे कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1,00,000 डिवाइड बाई 110। मैंने कहा था ना ये आपका कैसे आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, इसी वजह से मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये मैंने इसको कर दिया और इसको कर दिया, अब इसमें हमें क्या प्लस करना है, 10,000, तो इसे भी प्लस कर देंगे, तो ये आ गए हमारे पूरे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। अब इसे इनटू हमें करना है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, 110, ये आ गया, ठीक है। अब इसे अपन यहीं पर राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसमें अगर मैं सिर्फ 1+ कर दूंगी तो ये आ जाएगा 12,00,000, ठीक है। तो बस इस पूरे को मैंने सॉल्व किया है और राउंड ऑफ कर दिया, तो वो कितना आ गया, 12,00,000। 12,00,000 में से 2,00,000 हमारे चले गए इन्वेस्टमेंट पे और 1,00,000 रुपये हमने कमा लिए अर्निंग में, तो ये कितना आ गया, 11,00,000 रुपीज़, ठीक। 11,00,000 रुपीज़ को अपन को क्या करना है, डिस्काउंट 1.1 से, तो ये आ गया 10,00,000। एट द एंड जो वैल्यू ऑफ फर्म आई है वो कितनी आई है, 10,00,000, ठीक। ये हमारा हो गया केस नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हमें करना है केस नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, ठीक है। और इस केस नंबर 2 को करने से पहले ही मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा आपका, यानी कि यहाँ पर जो हम वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे वो कितनी आएगी, 10,00,000। अब मुझे कैसे पता केस 2 करने से पहले ही कि उसकी वैल्यू ऑफ फर्म 10,00,000 आएगी, क्योंकि बिकॉज ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो MM अप्रोच का कर रहे हैं, और MM अप्रोच क्या होता है, एक डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी। MM अप्रोच क्या होता है, डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि डिविडेंड इज इररेलेवेंट, चाहे आप डिविडेंड दो चाहे आप डिविडेंड ना दो, वैल्यू ऑफ फर्म आपका सेम ही आएगा। यानी कि केस नंबर 1 में हमने डिविडेंड नहीं दिया था तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया था, 10,00,000। केस नंबर 2 में अगर हम डिविडेंड देते भी है तब भी वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा, 10,00,000। यही बोलता है MM अप्रोच। MM अप्रोच इज अ डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड दो या ना दो, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म दोनों ही केस में सेम आने वाली है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल हमने देख लिया, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या 10,00,000 आएगा या फिर नहीं। तो फटाफट केस नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। अब ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, अब बस हमें यहाँ पर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। तो स्टेप नंबर 1 अगेन वही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक।
तो अब मैंने ये सब आपको बता दिया कि हम क्यों ये कैलकुलेट कर रहे हैं और इस फॉर्मूले का मतलब थोड़ा बहुत ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने केस नंबर 1 में 4 स्टेप करे थे उसी तरीके से हम केस नंबर 2 में 4 स्टेप करेंगे, ठीक है। तो P0 हमें गिवन था 100, P1 हमें कैलकुलेट करना है, D1 यानी कि डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना देने वाले हैं, 5 रुपीज़ पर शेयर, और 1+KE, ठीक। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका P1=110-5, ये यहाँ जाके 110 हो गया और ये यहाँ चला जाएगा तो -5, P1 आपका आ गया 105। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, P1 हमने निकाल लिया 105, ठीक। अब हम स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। तो हमारी अर्निंग्स हुई थी 1 लाख रुपीस, जिसमें कि हमने 5 रुपये पर शेयर तो डिविडेंड बांट दिया, टोटल शेयर थे हमारे 10,000, जिसमें हमने 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड बांट दिया तो हमने टोटल डिविडेंड कितना बांट दिया होगा, 50,000। हमारी अर्निंग हुई थी 1 लाख रुपीज़, जिसमें से कि हमने डिविडेंड बांट दिया 50,000, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना फंड बचा है, 50,000 रुपीज़, ठीक। कितना फंड है हमारे पास खुद का, 50,000 रुपीज़। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल कितना था, 2 लाख रुपीज़, यानी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख रुपये और हमारे पास खुद का पैसा कितना है, 50,000 रुपये। इसका मतलब हमें और कितना पैसा चाहिए, बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड 1,50,000। ये समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से देख लो जिसे समझ में नहीं आया। हमारी अर्निंग हुई थी 1 लाख रुपये, जिसमें से कि ये केस नंबर 2 है इसलिए हमें इसमें डिविडेंड बांटना पड़ रहा है, कितना, 50,000। डिविडेंड 5 रुपीज़ पर शेयर था और 10,000 शेयर्स थी तो आ गया 50,000। अर्निंग हुई थी 1 लाख रुपये, 50,000 डिविडेंड बांट दिया तो फंड्स कितना बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 50,000, ठीक है। तो हमारे पास खुद का पैसा बचा है 50,000, लेकिन 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 हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख रुपये, तो हमारे पास खुद का पैसा सिर्फ और सिर्फ 50,000 है, यानी कि 1.5 लाख रुपये हमें और पैसा चाहिए, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपये जो हमें पैसा चाहिए वो कहाँ से लेकर आएंगे, वो हम शेयर्स को इश्यू करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3 कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने होंगे। हमें पैसा चाहिए 1,50,000 और प्राइस क्या है शेयर्स इशू करने का, 105। ध्यान रखना P1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है स्टेप नंबर 1 में 105। तो हमें पैसा चाहिए 1,50,000 और किस प्राइस पर करेंगे, 105 पर, ठीक है। अगेन मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, बिकॉज अगेन वो किस में आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए हम उसे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वही कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ फर्म। अब इस फॉर्मूले को मैं नहीं समझाने वाली दोबारा, इसको मैं डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक। एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग थे 10,000, चेंज इन एन यानी कि अब नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं वो कितने हैं, फंड चाहिए था 1,50,000 और 105 से इशू कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये जो नए आने वाले हैं, इन दोनों को ही हम इंटू कर देंगे P1 यानी कि 105 से, माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट कितनी थी 2 लाख रुपये और अर्निंग कितनी हुई थी 1 लाख, इन सब को डिस्काउंट कर देंगे 1+1.1 से, ठीक है, 1.1। तो अगेन करते हैं, सबसे पहले 10,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, सॉरी पहले करेंगे 150/105, ये इसका आंसर आ गया, प्लस कर देंगे 10,000 और इस सब को इनटू, अब ये पूरा आ गया ब्रैकेट का आंसर, अब इस सब को इनटू कर देंगे P1 से यानी कि 105 से, ठीक है। तो अगेन ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 मिला के कितना आ गया 12 लाख। अब देखो
ये पूरा इधर का आंसर आ गया 12 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट और प्लस कर देंगे अर्निंग, ठीक। ये कितना आ गया 1 लाख रुपीज़। इसको डिवाइड, सॉरी 11 लाख रुपीज़ टोटल। इसको डिवाइड कर देते हैं 1.1, ये आ गया 10 लाख। इस पूरे का सॉल्व कितना आ गया 10 लाख। इतना तो मुझे लगता है आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लोगे। जो भी मेहनत थी वो केस नंबर 1 में थी, केस नंबर 2 में तो वही सब कुछ है, ठीक है। उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिया हो। तो जैसे कि मैंने ये सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दिया था कि वैल्यू ऑफ फंड कितना आने वाला है 10 लाख रुपीस, और वही हुआ। तो ये MM अप्रोच की डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी थी, जिसको बोलते हैं डिविडेंड दो या ना दो वैल्यू ऑफ फंड सेम होने वाली है, ठीक है। जिसका रह गया हो स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार कर लेना। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। साथ के साथ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सबसे पहले 2 केस बनाने हैं। 1 केस बनाना है जिसमें डिविडेंड्स आर नॉट पेड, और दूसरा केस बनाना है डिविडेंड्स आर पेड। फिर दोनों ही क्वेश्चन में आपको 4 स्टेप इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको भी पता चलेगा, आपको पहले से ही फ्रेम रहेगा किस फ्रेम में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन और समझ में आया हो कंसेप्चुअल वाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।